नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व को शांति, भाईचारे व करुणा का संदेश दिया और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों ने मनुष्य के जीवन यापन के लिए जड़ी बूटी का काम किया। भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर चलते हुए व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह ज्ञान का प्रकाश उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। सैकड़ों साल पहले कहे गए उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जिसके बाद इनका नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। वहीं 16 साल की उम्र में उनके पिता ने सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी, जिससे उन्हें एक बेटे पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। उनका मन बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। इस तरह दयालु प्रवृत्ति होने की वजह से उनका मन सांसारिक मोह माया से भर गया। वहीं एक बार भ्रमण के दौरान ही सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया और उन्हें सुख की अनुभूति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक मोह माया का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। एक दिन गौतम बुद्ध बौद्ध गया पहुँचे। वे उस दौरान बहुत थक गए थे। बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आती हुई दिखी। यह गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस घटना के बाद से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वहीं उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस जगह को बोधगया कहा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती गई। गौतम बुद्ध के उपदेशों एवं प्रवचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक ने किया। 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा की थी। समाधि धारण करने के बाद गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया था। भारत के अलावा भी चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।